आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम वाल्मीकि समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में, साथ ही उन तीन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने वाल्मीकि समाज को एक नई रंगत दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगा बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाली हर वीडियो का। कालू सिंह वाल्मीकि शमशान घाट में काम किया करते थे। जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा एक विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण ने ली थी, उसमें राजा हरिश्चंद्र अपनी संपत्ति हारे, राजपाट हारे, यहाँ तक कि अपनी और अपने भाइयों की पत्नी द्रौपदी को हार गए थे। जब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा, तब कालू सिंह वाल्मीकि ने उन्हें आश्रय दिया था। पहले इस घाट का नाम कालू सिंह घाट हुआ करता था, लेकिन अब इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र घाट है। क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि सन 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे भारत में ज्वाला भड़क उठी थी। उसमें मंगल पांडे ब्रिटिश की फौज में सिपाही थे और माता दीन वाल्मीकि भी वहीं काम किया करते थे। वो कलकत्ता के पास बैरंगापुर किले में अंग्रेजों की छावनी में काम किया करते थे। एक दिन की बात है, मंगल पांडे स्नान करने के लिए घाट पर जा रहे थे, वहीं माता दीन वाल्मीकि का हाथ मंगल पांडे के लोटे पर लग गया। मंगल पांडे पहलवान माता दीन वाल्मीकि से बोले, इस लोटे के पैसे लौटा दो मुझे, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। माता दीन वाल्मीकि मंगल पांडे से बोले कि मेरे छूने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और जो तुम गाय और सुरवार की चर्बी से बना हुआ कारतूस अपने मुंह से खोलते हो, उससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और फिर माता दीन वाल्मीकि ने मंगल पांडे को कारतूस बनाने वाली उस फैक्ट्री में घुमाया, जिसको देखकर सभी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जिसमें माता दीन वाल्मीकि भी शामिल हो गए थे। अंग्रेजों से लड़ाई हुई। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू करने के जुर्म में मौजूदा ब्रिटिश सरकार ने माता दीन वाल्मीकि और मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी थी, जिसमें माता दीन वाल्मीकि देश के लिए शहीद हो गए। सोलह सौ 75 ईस्वी की बात है, जब गुरु तेग बहादुर का सिर दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने काट दिया और सड़ने के लिए, अपमानित करने के लिए वहीं छोड़ दिया, और औरंगजेब ने अपने सैनिक वहीं तैनात कर दिए, जिससे कि कोई भी उनके सर को अंतिम संस्कार के लिए ना ले जा पाए। तब गुरु गोविंद सिंह ने अपने सभी सैनिकों से पूछा कि गुरु तेग बहादुर के सर को कौन वापस लेके आएगा, जिससे कि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन वहां जाना और औरंगजेब की सेना से लड़के गुरु तेग बहादुर के सिर को लाना इतना भी आसान नहीं था। तभी वाल्मीकि समाज के वीर बाबा जीवन सिंह ने उस चुनौती को स्वीकार किया और गुरु तेग बहादुर के सर को वापस लेके आए। तभी से बाबा जीवन सिंह को रंगरेटा गुरु का सच्चा बेटा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय वाल्मीकि लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँ।